मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं आज की कुछ खास खबरें। बिहार चुनाव 2020 में नीतीश कुमार का बड़ा दांव, रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश जेडीयू में हुए शामिल। दरअसल स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह गुरुवार को जदयू में शामिल हो गए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सत्य प्रकाश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आज की राजनीति में रघुवंश बाबू जैसा नेता अब नहीं हो सकता। उन्होंने जिस जगह काम किया वहां उन्होंने अमीर छाप छोड़ दी, उनको बिहार कभी नहीं भूल पाएगा। सत्य प्रकाश सिंह ने जदयू में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पिताजी कहते थे कि परिवार का एक सदस्य राजनीति में होना जरूरी है। अंतिम दिनों में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी थी उसमें वैशाली को लेकर इशारा किया था, मैं राजनीति में आऊं, इसीलिए हम राजनीति में आए हैं। ट्रंप 15 अक्टूबर के प्रेसिडेंशियल डिबेट में हुए बाहर, कहा वर्चुअल डिबेट पर नहीं कर सकते समय बर्बाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोविड-19 की रोकथाम के चलते डिबेट वर्चुअली कराया जाएगा तो वे डेमोक्रेटिक के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन के साथ उस डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने गुरुवार को फॉक्स बिजनेस के साथ टेलीफोन पर इंटरव्यू के दौरान कहा, नहीं, मैं वर्चुअली डिबेट पर अपना समय नहीं बर्बाद करने जा रहा हूं। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स पर कमीशन ने इससे पहले यह ऐलान किया था कि 15 अक्टूबर को 3 राष्ट्रपति बहस में से दूसरी बहस मियामी में होगी, जहां पर दूर दराज की जगहों से आए प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस वायरस में अमेरिका में करीब 2,10,000 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बिडेन और ट्रंप कैंपेन की तरफ से फौरन इस टिप्पणी के लिए अनुरोध के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ट्रंप शेड्यूल डिबेट से 2 हफ्ते पहले 1 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे सोमवार को व्हाइट हाउस वापस लौट आए। केंद्र ने कोरोना गाइडलाइंस में किया बदलाव, 12 चुनावी राज्यों में राजनीतिक रैलियों को दी अनुमति। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की गाइडलाइंस में गुरुवार को अहम बदलाव किया है। सरकार ने 12 चुनावी राज्यों में राजनीतिक रैलियों की तत्काल रूप से अनुमति दे दी है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद से ही चुनावी राज्यों में रैली की अनुमति दे दी थी। सरकार के इस ऐलान से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 की पुरानी गाइडलाइंस के तहत बड़ी सीमाओं की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण राजनीतिक दल चुनावी रैलियों और सभाओं को आयोजित नहीं कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कई राज्यों में चुनाव की घोषणा की थी। इस चुनावों में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव, कुछ सीटों पर उपचुनाव एवं 1 सीट पर लोकसभा उपचुनाव शामिल है। बिहार में 28 अक्टूबर से 3 फेज में मतदान करवाए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड और ओडिशा में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। गृह मंत्रालय ने सभी राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए किए गए सभी उपायों का पालन करें। इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर को जारी किए गए अपने दिशा निर्देशों के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जेल से बाहर आने के बाद पहली बार दिखी रिया चक्रवर्ती हाजिरी लगाने पहुंची पुलिस स्टेशन। रिया चक्रवर्ती बुधवार को भाईखला जेल से बाहर आ गई। जेल से बाहर आने के बाद गुरुवार को रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। रिया दरअसल हाजिरी लगाने के लिए स्टेशन पहुंची थी। बता दें कि उच्च न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश के बाहर न जाने का निर्देश दिया। पीठ ने उनसे एनसीबी की आज्ञा के बिना मुंबई से बाहर न जाने और जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने को भी कहा है। अदालत ने रिया से निजी मुचलकी के तौर पर 1,00,000 रुपए जमा कराने और रिहाई के बाद शुरुआती 10 दिन निकटतम पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा कि रिया के अलावा जिन लोगों को जमानत दी गई है उन्हें भी मुंबई से बाहर जाने के लिए एनसीबी के जांच अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। रातू थाना क्षेत्र में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
आरोपी के पास से एक लैपटॉप, एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव बरामद किया गया है। इस संबंध में रांची के ग्रामीण एसपी को मिली सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात रांची के ग्रामीण एसपी को गुप्त सूचना मिली कि रातू थाना क्षेत्र के उषा मातू टिकरा टोली निवासी अमरीक कुमार साहू आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा लगाकर लोगों से ठगी कर रहा है, साथ ही जीतने का प्रलोभन देकर जुआ खिलवाया जा रहा है। सूचना के बाद छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसके बाद अभियुक्त के घर छापेमारी की गई, जिस दौरान आरोपी अमरीक कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उनके पास से सट्टा में प्रयुक्त लैपटॉप, मोबाइल और पेनड्राइव भी बरामद किया गया। इस संबंध में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामलों की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।